नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे पूजा वस्त्रकार की। पूजा वस्त्रकार जो कि शहडोल की रहने वाली हैं और भारतीय क्रिकेट में वर्तमान में परमानेंट खिलाड़ी हैं, जो भारतीय क्रिकेट टीम से वनडे, टेस्ट और T20 तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेलती हैं। वर्तमान में पूजा वस्त्रकार न्यूजीलैंड में है, जहां महिला वर्ल्ड कप चल रहा है और वो भारतीय महिला टीम में शामिल हैं। और जैसा कि उनके बारे में बताया जा रहा है कि अभ्यास में बहुत फॉर्म में नजर आई थी अभ्यास मैचेस के दौरान, इसलिए इस बार के वर्ल्ड कप में उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि पूजा वस्त्रकार ने जब से भारतीय टीम में जगह बनाई है तो शहडोल में भी स्पोर्ट्स को लेकर, चाहे क्रिकेट की बात करें, दूसरे खेलों की बात करें, यहां लड़कियों को लेकर माहौल बदल गया है। और ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स की बात करें या फिर खिलाड़ियों की बात करें या फिर उन लड़कियों की ही बात करें, वो किसी ना किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहती हैं और उन्हें भी उम्मीद रहती है कि वो इंटरनेशनल लेवल तक अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेंगी। पूजा BSNL के छोटे से कॉलोनी में गली क्रिकेट खेलती थी और गली क्रिकेट खेलते खेलते वो स्टेडियम में पहुंची और उसी स्टेडियम में जो उसका शॉट था, जो उसके बॉलिंग थी, बैटिंग थी, उसको देखते हुए कोचों ने उसको काफ़ी प्रैक्टिस कराया और इस तरह वो आगे बढ़ी। पहले शुरुआत में वो मोहल्ले के लड़के थे, उन्हों के साथ खेला करती थी। फिर जब वो स्टेडियम में पहुंची तो वहाँ भी उनको लड़कियाँ तो नहीं मिली, लड़के ही मिले, उनके साथ उनका प्रैक्टिस का दौर चालू हुआ। जैसे ही पूजा का करियर क्रिकेट में बना, वैसे ही शहडोल ज़िले में ही नहीं बल्कि पूरे अपने भारत देश में काफ़ी दूर दूर पूजा को फ़ोन वगैरह भी आते कि हम अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाएंगे, ये वो। तो इस तरीके से मतलब पूजा का करियर को देखते हुए हर माँ बाप चाह रहे कि हमारी बेटी भी आगे बढ़े। जी थोड़ा सा मतलब जैसे ही पूजा का उसमें सिलेक्शन हुआ क्रिकेट में, तो थोड़ा लोगों के सोचों में परिवर्तन आया। स्टेडियम में ही आप देख सकते हैं, जिस समय पूजा इकलौती रहती थी, आज पूरी 15 की टीम बढ़िया क्रिकेट की तैयार है, तो महिला क्रिकेट की, तो कहीं ना कहीं ये बदलाव है। और वर्तमान में मैं सबसे पहले तो पूजा को बधाई दूंगा कि विश्व कप की टीम के लिए उसका चयन किया गया है। वर्तमान में वो विश्व कप की टीम के साथ दौरे में है और अभी जो अभ्यास मैच हुआ उसमें उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उम्मीद है कि इस विश्व कप से उसके प्रदर्शन में और निखार आएगा और आने वाले समय के लिए वो एक स्टार की तरह हमारे देश का नाम रोशन करेगी। इसलिए यहाँ पर लड़कियों को खेलने के बहुत कम चांसेज गार्जियनों द्वारा प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन जब से पूजा ने खेलना शुरू किया उसके बाद लगातार यहाँ पर लड़कियों की संख्या बढ़ती गई। आज वर्तमान में ये स्थिति है कि प्रत्येक वर्ग में हमारी पूरी टीम तैयार हो रही है और अच्छा प्रदर्शन कर रही है, नए नए और तैयार हो रहे हैं, निश्चित रूप से एक प्रेरणा का काम करने है उसके टीम में और विश्व कप की टीम में, इंडिया की टीम में जाने से हमारे शहर का नाम, हमारे राज्य का नाम रोशन करने। निश्चित रूप से पहले तो ये स्थिति थी कि गार्जियनों को जाके बोलना पड़ता था कि भैया आप लड़कियाँ अच्छी खेलने हैं उसको भेजो, ज़्यादातर ध्यान लड़कियों पढ़ाई में हुआ करता था, लेकिन जब से वो मध्य प्रदेश के बाद इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया टीम में चयनित हुई और उसके पीछे पीछे दो तीन लड़कियां और चयनित हुई, तो उसके बाद से गार्जियनों ने एक देखा रुझान, टीवी में आने के बाद से भी गार्जियनों में ये रुझान हो कि नहीं हमारी भी लड़की कर सकती है, तो अब ये स्थिति है कि गार्जियन खुद लेके आते हैं तो नेट्स कराने के लिए, प्रैक्टिस के लिए और ले जाते हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है गर्ल्स क्रिकेट के लिए और हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए। वाकई पूजा वस्त्रकार के भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने के बाद और वहां खेलने के बाद शहडोल में भी स्पोर्ट्स को लेकर, खासकर लड़कियों को लेकर माहौल बदल गया है और ज़्यादातर पेरेंट्स और लड़कियां यहां किसी न किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहती हैं और न केवल वो खेलना ही चाहती हैं बल्कि जिस तरह से पूजा वस्त्रकार ने कामयाबी हासिल की है उसी तरह उस स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं। एक तरह से कहा जाए तो पूजा वस्त्रकार के कामयाबी के साथ ही यहां के लड़कियों का भी मनोबल और उत्साह काफी बढ़ा है और अब वो भी स्पोर्ट्स में कुछ बेहतर करना चाहती हैं। शहडोल से अखिलेश शुक्ला, ईटीवी भारत, मध्य प्रदेश।